एशियाई खेलों 2023 में भारत का गोल्डन सफर जारी है और खेल के सातवें दिन भारत को टेनिस में बड़ी खुशखबरी मिली। मिक्स में अनुभवी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया और दोनों की जोड़ी ने चीनी ताइपे के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग को हराया। बता दें कि रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने अपना पहला सेट गंवा दिया था। हालांकि पहला सेट हारने के बाद दोनों ने शानदार वापसी करते हुए चीनी ताइपे के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग को 2-6, 6-3, 10-4 से हराकर एशियाई खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियाई खेलों में टेनिस में भारत को दूसरा पदक रोहन बोपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी के गोल्ड मेडल जीतने के साथ अब भारतीय टेनिस दल कम से कम एक स्वर्ण पदक लेकर लौटेगा। इस बार एशियाई खेलों में टेनिस में भारत की झोली में दो ही पदक गिरे जिसमें से पुरुष युगल का रजत शामिल है। वहीं एशियाई खेलों में भारत के खाते में अब तक कुल 9 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। अगर कुल मेडल की बात करें तो 9 गोल्ड, 13 रजत और 13 कांस्य पदक की मदद से भारत के खाते में कुल 35 पदक हो गए हैं। मेडल टेली में भारत इस समय 6ठे स्थान पर बनी हुई है। वहीं रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी एशियाई खेलों में टेनिस पुरुष युगल स्पर्धा के फाइनल में हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीनी ताइपे के सू यू स्यू और जैसन जुंग के सीधे सेटों में हराया। गैर वरीय चीनी ताइपे टीम के दोनों सदस्य सू और जुंग की एकल रैंकिंग बेहतर थी जो उनके खेल में भी नजर आया और उन्होंने दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को 6-4 से हराया। वही रामकुमार का एशियाई खेलों में यह पहला और माइनेनी का तीसरा पदक है। वह 2014 इंचियोन खेलों में सतनाम सिंह के साथ पुरुष युगल रजत और सानिया मिर्जा के साथ मिश्रित युगल स्वर्ण जीत चुके हैं। दूसरे सेट में भी रामकुमार की सर्विस कमजोर रही। तीसरे गेम में स्कोर 15-30 था जब उन्होंने डबल फॉल्ट किया और ताइपे टीम ने 2 ब्रेक पॉइंट बनाए। साकेत ने 9वें गेम में स्कोर 15-15 कर दिया। वही भारतीय जोड़ी ने अपनी सर्विस बचाई लेकिन जुंग के बैकहैंड पर वाली विनर लगातार बढ़त बना ली। इसके बाद भारतीय जोड़ी के लिए वापसी का मौका नहीं था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।